أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ फरमाई यस अलू नुल्ला आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं है। कि क्या किया जाए आप, आप कहिए कि माले गनीमत असल में अल्लाह और उसके रसूल का है। यानी क्या मतलब जो फैसला अल्लाह और उसके रसूल फरमाएंगे तो वही फैसला जब को मानना तुम लोग अल्लाह से डरो और आपस में इख्तिलाफ ना करो वही पर आप वसल्लम जब पर पहुंचे तो दो मुजरिम थे दो मुजरिम थे बहुत बड़े मुजरिम मक्से थे आपने, आपने उनकी गर्दन, गर्दन मारने का, का। एक तो नदर इब्न हारिथ था और दूसरा उकबा इब्न अबी मुआयद था साथियों इसीलिए इस मैं कहता दुनिया की तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला कैदियों के साथ रहा है दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती।

दीवार बनकर पे जब भी कठिन वक्त कोई वो निकला असाकार बनकर की महफिल कुछ जिसने जिन लोगों से लड़ाई की जाती रही है उन्हें लड़ाई यानी जहाद की इजाजत दी जाती है क्योंकि वो मजलूम है और अल्लाह तकीन उनकी मदद पर का महन अलमिलाबा वलाकबालम्तीन वसला रसूल करी मामाबाद हाज़रीन मजस सैरतलनबी सक़ीक़त व नसीहत की ये पंद्रवी कड़ी अभी कुछ देर में शुरू होने जा रही है और इतफ़ाक़ भी आज की तारीख़ बारा रबी अव्वल सन चौदह सौ चौंतीस हिजरी मुताबिक चौबीस जनवरी सन दो हज़ार तेरह हाजरीन इससे पहले वाली किस्त में हमने सीरत रसूल अलैहि वसल्लम के बाप से वो माहौल और मंज़र सुना था कि अल्लाह के रसूल अक्रमल्ल मदीना तशरीफ़ लाते हैं और मदीना की तशरीफ़ आवरी के बाद मुसलमानों के हालात तब्दील हो जाते हैं अब मुसलमानों के दरमियान खुशहाली और ख़ुशी की बातें आना शुरू हो गई बडोर और ख़फ़ की ज़िंदगी ख़त्म हो गई और अल्लाह रब्लम ने नबी आलातम के ज़रिए उम्म के लिए हथियार उठाने की इजाज़त पेश फरमा दी हथियार की इजाज़त मिलना था मुसलमानों की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब मुसलमान अब वो मुसलमान नहीं रहा जो मार खाकर भी खामोश हो जाए अब मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहा जिस पर बेजा सितम ढाए जाएँ अब मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहा जिसके औलाद और जिसके, जिसके बच्चे और जिसके माल व जायदाद को छीन कर हड़प कर लिया जाए नहीं अब मुसलमान के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि मुसलमान अपने बदला दे सके मुसलमान अपनी क़ुत के ज़रिए से बात को साबित कर सके अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल और ये मंज़र मदीने के अंदर तब्दील हुआ और मदीने के अंदर मुसलमानों की ये क़वत जमा होगी और इसी कौत का पहला मुदाहरा था जंग बदर जंग बदर के ताल्लुक़ से हमने तफसीला सुना हमने सुना था कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली इतला मिली कि एक काफिला मक्के से शाम की तरफ निकल चुका है ये बहुत बड़ा काफ़िला था ये बहुत बड़ा काफ़िला था जिसके अंदर हज़ारों दिरहम हज़ारों दीनहार और बेशुमार सोना और चांदी इसके अंदर मौजूद था एक बहुत बड़ा माल से लदा हुआ ये काफ़िला काफिला मक्का से शाम के लिए निकला लेकिन ये हाथ से निकल गया आप अलैहि वसल्लम इसकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे कि यह काफ़िला जब वापस होगा तो इस पर ज़रूर हमला किया जाएगा लिहाजा इसी प्लान के तहत और इसी मनसूबे के तहत जैसे ही काफ़िले की वापसी की इतला मिली आप आपलम साहब कराम रजवानल मजमैन को लेकर फ़ौरी अलफ़ौर निकल पड़े और सोचा कि इस काफिले को रास्ते ही में दबोच लें लिहाजा आपने मदीना छोड़ कर बदर की तरफ रख किया लिहाज़ा इसकी इतला जैसे ही मक्तुलमकमा में पहुँचती है मक्का के कुफार मक्का के अंदर एक घलचली मच जाती है लिहाजा मक्का के अंदर ऐलान आम होता है कि हमारे इस काफ़िले की मदद की जाए लिहाजा उस काफिले की मदद के लिए अबू अबूसफी जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे उनकी क़ियादत में एक हज़ार आदमी निकल पड़ते हैं साजो सामान के साथ और होता यह है कि काफ़िला हाथ से निकल जाता है अब मामला ये लोग जो एक हज़ार की तदाद में थे कुफ़ार मक्का थे इन्होंने कहा कि नहीं अब हम आए हैं जश्न मनाएंगे फ़ख्र मनाएंगे, उसके बाद हम मक्का का रख करेंगे लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम यहाँ पर मशवर करते हैं टीम मशवरे की बैठती है कि क्या होगा क्या जंग किया जाए क्या सिर्फ काफ़िले की नीयत से आए थे और उसी से लौटा जाए लिहाजा अक्सर जित के साथ ये बात तय हुई कि इनके साथ जंग की जाए अगरचे के मुसलमान बेसर वामानी की हालत में थे कोई ख़ास इनके पास हथियार न कोई ख़ास सामान जंग इनके पास मौजूद थे मगर हुआ यही कि जंग होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नुसरत कामिला नुसरत शामिला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग बदर का ख़ास जिक्र फ़रमाया कि जंग बदर जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरकान कहा कि कुफ़र और तोहीद शिरक़ और तोहीद के दरमियान को फ़र्क करने वाली हक और बातिल के दरमियाँ फ़र्क करने वाली ये जंग जंग बदर होती है और मार का आरई होती है जिससे कबल अल्लाह के रसूल सल वस दुआ फरमाते हैं अकबाल ने नक्शा खींचा ये गाजी ये तेरे पुरा सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है दौके खुदाई दो नीम की ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई अल्लाह के रसूल वसम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्लम ला ये मुठ्ठी भर मुसलमान आज तेरे नाम के लिए यहाँ पर जमा हैं अगर आज तूने इनकी मदद न की अल्लाह रब्लमी ला फिर तेरे नाम लेने वाले कहाँ से होंगे बहरहाल उस दुआ के बाद जंग होती है जैसे कि आपने तफसीला सुना अल्लाह रब्लम की नुसरत शामिल हाल थी और अल्लाह रब्लम ने जंग बदर के अंदर बहुत सारे वाक़ात के साथ मुसलमानों को फ़तेह मुबीन से नवाजा और मुसलमानों को फतह होती है और इस तरीक़े से जंग का मामला ख़त्म हो जाता है शहीद शहदा की तदाद भी आपने सुनी लिहाजा ये जंग बदर का मुख्तर सा वाक़ था अब जंग बदर के बाद वापसी का मामला था यहीं से हमारी अगली कड़ी शुरू होती है मैं बिला किसी ताखिर उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख फैदी फ़ैजी अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि उस अगली कड़ी का आग़ फ़रमाएसम व्सिमलर अलहमदिल्लाबिली की ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

शेख सलाम ने आपके सामने रखा गजवे बद्र के ख़ात्मे तक पहुँचे थे कि गजवे बद्र में अल्लाह तबारक वाली ने मुसलमानों को जो कामयाबी अता फरमाई उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी जाहिर बात है अल्लाह तबारक वाल का फल और करम था वरना दुनिया के लिहाज से गाहरी इसबाब ऐसे कोई नहीं थे कि मुसलमान जीत जाए और काफिर हार जाते उसमें सबसे बड़ा सबब तो नबी करीम वसल्लम जैसी बेमिसाल मिसाल का वजूद था आप सल्लल्लाहु अलैहि ने जिस अंदाज़ से फ़ौज को तरतीब दिया और जो हदायतें की उसकी मिसाल उससे पहले दुनिया में कभी मिलती नहीं है उसके अलावा अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों के लिए गैब से कुछ मदद फरमाई थी पहली चीज़ तो ये थी कि अल्लाह तबारक तआला ने उसी शब यानी सतरा रमज़ान की शब को जिस इलाके में मुसलमान थे उस इलाके में तो सिर्फ बारिश इतनी ही हुई जिससे रेत जम जाए चलने फिरने में आसानी हो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत पेश न आए लेकिन जिस जगह काफिर ठहरे हुए थे उस कदर इस ज़ोर की उस तरफ इस ज़ोर की बारिश हुई इस ज़ोर की बारिश हुई कि उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया इसका जिक्र अल्लाह कुरान मजीद में वयु नजूर अली कुमा इमा तहिर अनफान खुश का जिक्र किया है यानी गोया की बारिश का नजूल भी अल्लाह तबारा को ताल की मदद का एक सबब था अल्लाह की एक गोया मदद थी क्यों इसलिए कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी बारे में पहले ही उलझन के शिकार हो जाएं, आपका हाथ कांप जाए तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है किसी रास्ते में जा रहे हैं आप आपका हाथ या पैर कांप जाए तो वहां पर संभलना क्या होता है मुश्किल होता है लेकिन अगर ढारस बरी रहे हाँ भाई यह हो, होगा काम क्यों नहीं होगा हम कर सकते हैं तो इंसान का जज्बा रहता है और काम आसानी से वो कर लेता है दूसरी जो वजह हुई अल्लाह तबारक वाली की तरफ से कि अल्लाह तबारक वाली ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों का रजूल फरमाया था एक हजार फरिश्ते नाजिल हुए थे अल्लाह तबारक वाले ने कहकर अल्लाह के रसूल फरमाया कि अबू बकर खुश हो जाओ अल्लाह की मदद आ गई वो देखो हरते जिब्राइल फरिश्तों की फौज लेकर के हाजिर हो गए हैं दूसरी वजह ये भी थी और यही वजह थी कि काफिर बिल्कुल उनके हाथ पैर काम करते ही नहीं थे बल्कि बड़े बड़े बहादुर काफिरों को एक मामूली ताकत वाला मुसलमान ऐसे हाथ पकड़ता जैसे ऐसे को नहीं पकड़ता और लेकर के आज कैद कर लेता था क्यों मुसलमानों में वो जज्बा पैदा हुआ और काफिर इतना घबरा गए इतना परेशान हो गए कि उनके अंदर लड़ने कोई ताकत न रह गई तीसरी जो और बड़ी वजह हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बद्र में पहुंचे और मैदान जोर का गर्म था और आप वसल्लम सबसे आगे थे सबसे ये नहीं कि आप किनारे बैठे हैं सबसे आगे आगे बढ़कर के लड़ रहे थे आपने एक सहाबी से कहा जरा मुझे एक मुट्ठी मिट्टी दो मुझे एक मुट्ठी मिट्टी दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी लिया और काफिरों की तरफ कहा रुख करके कहा शाहतिल वजू और वो मुट्ठी जो मिट्टी की फेंका है तो कोई काफिर भी ऐसा नहीं था जिसके आंख में उस मिट्टी का तिनका जा करके ना पड़ा कोई काफिर भी ऐसा नहीं था इसीलिए अल्लाह तमा रमाई रमाई तला आपने जब मिट्टी फेंकी है तो आपने नहीं फेंकी ये अल्लाह तबारकुव तला ही की कुदरत थी कि उसने उस एक मुट्ठी मिट्टी के जर्रात को काफिरों की हर आंख तक पहुंचा दिया वो अपनी आंखें मलना शुरू किए और मुसलमानों का मौका मिला और कत्ल करना मुसलमानों ने शुरू कर दिया और चौथी सबब चौथा जो सबब बना है मुसलमानों की कामयाबी और काफिरों के नाकामी का हारने का आप लोग जो ड्राइवर हैं अंदाजा लगा सकते हैं आप जा रहे हैं बड़ी नींद आ रही है आप बस अगर कहीं रुक जाएं और सिर्फ पांच मिनट आप सो लें तो इस बात तबीयत किस तरह फ्रेश हो जाया करती ऐसा लगता है ऐसा लगता है, वाले ऐसा लगता है कि नींद का कोई असर है ही नहीं तो अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों पर नीत तारी कर दी गोनूदगी मुन्न अमन तमिन अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे ऊपर अमन और इत्मीनान के लिए नींद को तारी कर दिया था मुसलमान बिल्कुल ऐसा जैसा ही उनको नींद का झटका आया और जैसे ही खुली ऐसा मालूम हो रहा था कि जिसम के अंदर किसी किस्म की उलझन और परेशानी है ही नहीं ये बाब बने थे और पिछली मलजिश में जिक्र किया था काफिरों के हारने के असबाब क्या थे उनमें सबसे पहला सबब तो यह था कि देखते ही देखते चंद मिनट में काफिरों के सरदार ढेर हो गए है कि नहीं जब मुकाबले के लिए निकले हैं तो यही तो हुआ है ना थोड़ी देर में रतबा भी मारा गया कतल हो गया शहबा भी कतल हो गया और उतबा का बेटा वलीद भी ढेर हो गया है कि नहीं इसी ने तो उनके दिल में और क्या खौफ तारी कर दिया और अभी जंग शुरू हुए थोड़ी देर नहीं हुई थी कि उनका सिपा सालारे आदम जो था कौन था वो जी कौन था अबू जहल था उनका सिपह सालार कौन था अबू जहल था दो ना तजर्बे कार बच्चों ने उसे मार गिराया जो दो ना तजर्बे कार बच्चों ने जैसा कि सही बुखारी शरीफ अब्दरिब ने जनाब अब्दर ऑफ एक सब शिकन गाजी वो थे इस इसे पैकार में मसरूफ जा बाजी एर उनकी जुबानी है कमाले जद जदब क्या क्या शिदकत की सच्ची कहानी है

हम चहन से नहीं रहे और दोनों शाहीन की तरह बाज की तरह लपके हैं और थोड़ी देर उसे मार गिराया चीजें होनी थी और सबसे अहम यह कि जो उन्हें जुहफा से बल्कि मक्का के करीब ही से मैदान बद्र में खींच करके लाया था इबनी सुराका इबन मालिक की सूरत में जब शैतान ने देखा कि फरिश्तों का नजूल हो रहा है तो वह खड़ा हुआ लोगों ने कहा आप कहां जा रहे हो कहा कि अब तो मुझे अल्लाह का डर लग रहा है तू अल्लाह से कब डरा है बदबक नहीं की तुझे अल्लाह का डर नहीं अपनी जान का डर लगा है इसलिए कि जब उसने देखा कहते जिब्राइल उस तरफ से मुसलमानों की तरफ से हैं और फौज लेकर के आए हुए हैं तब उसकी कुछ भी ना चलिए इसलिए कुरान में इन्नी अरा माला कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि उसने क्या कहा इन्नी अरा माला मैं वो देख रहा हूं जो तुम देख नहीं रहे हो वो भाग खड़ा हुआ वो भाग खड़ा हुआ और तो फरिश्तों का नौजूल भी यहां मुसलमानों के लिए एक रहमत उनकी कामयाबी की सब था वही काफिरों के लिए उनकी नाकामी का सब था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बद्र से मुसलमानों के शहीदों को और काफिरों की लाशों को दफने से आप फारिग हुए काफिरों के चालीस बड़े बड़े सरदारों को अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने एक कुएँ में डाल दिया था बाद रवायात के मुताबिक पहले ही दिन डाला था और बाद रवायात के मुताबिक तीन दिन के बाद आप अलैहि वसल्लम तीन दिन वहाँ पर ठहरे रहे मैदान बदरे में तीन दिन ठहरे रहे बल्कि जब मुसलमान फारग हो गए लड़ाई से और काफिरों को मार गिराया जो थे वो भाग खड़े हुए कुछ कैदी हुए मुसलमानों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल वसल्लम अब काफ़िले का भी पीछा करना चाहिए जिसके लिए असल में निकले थे काफ़िले के निकले थे ना काफ़िले का पीछा करना चाहिए तो आप अलैहि वसल्लम के बाद रवायत मत अब्बास ने उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल उसका पीछा ना कीजिए इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था अल्लाह लकुम अल्लाह ताला ने दोनों ग्रुपों दोनों जमातों में से एक के मिलने का वादा किया है अब जो जमात मिलनी थी वो मिल गई अब काफिला आपके हाथ आने वाला ने उसका पीछा ना कीजिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर तीन दिन तक ठहरे रहे तीन दिन ठहर आप उस कुएं के पास गए जिसमें काफिरों के बड़े बड़े सरदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका था साहब एक राम ने कहा मैं ताजुब हुआ कि आप हमसे कुछ बताए नहीं कि हम कहां जा रहे हैं बजाय इसके कि शिमाल की तरफ चलें यानी कहाँ चलें मदीना मुनवर आप फिर आगे थोड़ा सा जुनूब की तरफ बढ़ रहे हैं आप सलम हम लोगों को साथ लिए और जाकर के उस कुएं पर खड़े होकर के कहा अए उतबा इबन रबी आए शेबा इबन रबी आए अबू जहल इबन है श्याम फला इबन फला अब तुम्हें महसूस हुआ कि काश के तुमने अल्लाह और उसके रसूल की एतावात की होती क्या हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था उसको तो सच कर दिखलाया वो वादा क्या था तुम्हें कामयाबी मिलेगी क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था वो भी पूरा हुआ अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि काश कि हमने के हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मान लिया होता हजरत उमर ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें पुकार रहे हैं जो सुनते नहीं हैं बेजान है आपने कहा कि ये इस वक्त तुमसे ज़्यादा हमारी बातों को सुन रहे हैं सही बुखारी शरीफ में है हजरत कतार राम बयान फरमाते हैं सही बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह तबारक तआला ने उनके अंदर रूह फूक दी थी उन्हें सुना दिया था अल्लाह इसलिए कि असल यह है मुर्दे सुनते नहीं असल क्या है कि मुर्दे जिन की बातें नहीं सुनते हैं लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने अपने रसूल की बात क्या उन्हें सुना दी थी क्यों ताकि उन्हें मजीद हसरत और अफसोस हो कि हाँ काश के हमने अल्लाह के रसूल की बात को या लई तनी अतान वा अतानर रसूल काश के हम अल्लाह रसूल और उसके रसूल की इत किए होते तो आप सल्लाहस वहां से ठहर करके तीन दिन उनके पास गए फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए रवानगी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को अपनी ऊँटनी दे करके तेजी के साथ मक्का मदीना मुनव्वरा भेज दिया ताकि मदीना मुनव्वरा को लोगों को इत्मीनान दिलाएं और खुशखबरी सुनाएं कि हाँ हमें जीत हो गई इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये खबर मदीना पहुंचने वाली चुकी थी कि अब जो है काफिला नहीं बल्कि अब लड़ाई का मामला दरपेश है तो कितने मुसलमान तो अफसोस कर रहे थे काश कि हम भी निकले होते और उधर यहूद ने और मुशरक़ी बदबख्तों ने ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी थी कि अब तो मुसलमान मारे गए कहा देखो इसलिए लेट हो रहे हैं ना आने में तखिर इसीलिए हो रही है कि रसूल्लाह को मार दिया गया कत्ल कर दिया गया है नौजबाली इसीलिए जो के कराम वहाँ थे बड़े परेशान थे मदीना मनोराम लिहाजा अल्लाह के रसूल सल वसम ने दो आदमी को एक जैद इबन हारसा हैं और दूसरे अब्दुल्ल इबन रवाहा जैद इबन हारसा जो चूँकि आपके बड़े ख़ास थे आपके मुँह बोले बेटे थे जैद इबन हारसा और दूसरे सहाबी अंसारी अब्दुल्ल इबन रवा को नबी करीम सलम ने अपनी ऊटनी दी और कहा जा करके अहिल मदीना को खुशखबरी सुना दो ये लोग मदीना मनोवरा पहुँचते हैं तो मुसलमान इंतज़ार कर रहे थे आने का और जिस वक्त ये दोनों पहुँचे हैं मस्जिद नबवी के पास उस वक्त मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया को दफ़न करके वापस आ रहे थे आसम की बेटी रुकैया बीमार थी इसीलिए हजरत उस्मान को और उसामा इबन जैद को आप अपने साथ नहीं ले गए थे जंग में जंग बदर में हजरत उस्मान को वापस कर दिया था कि तुम इनकी तीमारदारी के लिए रहो तो जिस वक्त ये खुशखबरी देने वाला पहुंचा है उस तरफ मुसलमान हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह को दफन करके वापस आ रहे थे मुसलमानों को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है बल्कि बाद यहूद और जो काफिर थे वो कहा करते थे अरे ये लोग तो जंग खत्म होने से पहले भाग करके चले आए ये कैसे हो सकता है कि काफिरों का इतना बड़ा लश्कर हो ये लोग जीत जाए इसीलिए हजरत ओसामा इबन जैद कहा करते हैं कि वल्ला हमें अपने बाप की खबर पर उस वक्त यकीन हुआ है जब हमने देखा कि आप सब कैदियों को लेकर के आ रहे हैं ये खबर आनी थी मदीना मनोवरा में कि मुसलमान आगे बढ़ करके के नबी करीम वसल्लम का इस्तेबाल के लिए आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इन लोगों को भेज दिया लेकिन साथियों अभी और मसला था एक मसला तो था कि माल गनीमत जो था उसको क्या किया जाए जो माल गनीमत हाथ आया था उसको क्या किया जाए दूसरे हमारे साथ जो कैदी हैं इनका मसला क्या होना चाहिए माले गनीमत के बारे में मुसलमानों का अख्तराफ हुआ पहला अख्तराफ था वो अखतराफ क्या था कुछ लोग इसलिए कि जंग बद्र के खत्म खात्मे के मौके पर मुसलमान तीन हिस्सों में बट गए थे जंगे बद्र के खात्मे के मौके पर मुसलमान तीन हिस्सों में बटे थे एक हिस्सा तो काफिरों का पीछा कर रहा था उन्हें गिरफ्तार कर रहा था और उनको भगा रहा था कि दोबारा वापस ना आ पाए दूसरी दूसरा ग्रुप जो मुसलमानों का था वो जो मारे गनीमत जो छोड़ करके भागे थे वो सारा कुछ जमा हथियार छोड़े थे खाने की चीजें हैं कुछ नकदी है छोड़ करके भागे थे उसको जमा कर रहा था और तीसरा ग्रुप जो छोटा ही था लेकिन उसने अकलमंदी की कि नबी करीम वसल्लम को अपने घेरे में ले लिया क्यों इसलिए कि हो सकता है दुश्मन कहीं छुपा हुआ हो पहाड़ी इलाका था वगैरह कहीं और अचानक आकर के अचानक आपके ऊपर हमला कर दे लिहाजा इस ग्रुप ने नबी करीम मुसलमानों की अकलमंदी देखिए साथियों होशियारी देखिए अकलमंदी एक ग्रुप आप सरोलम को चारों तरफ से घेर लेता वहां से हटा नहीं है देखा है कि लोग लूट रहे हैं देखा है कि लोग पीछा कर रहे हैं लेकिन इसने क्या किया कि नबी करीम सरोसलम अपने घेरे में ले लेकर अचानक कहीं काफिर पलट करके अल्लाह के रसूल जैसे के अंदर हुआ ना गजुए में मुसलमानों से जैसे आगे आएगा यही तो गलती हुई ना तो आप सलाम के दंदाना मुबारक शहीद हुए यहाँ तक शोर हो गया कि आप कतल कर गए जैसा कि आगे अगली मजलिस में आएगा है कि नहीं तो इस ग्रुप ने क्या किया नबी करीब अपने घेरे में ले लिया अब जब वहाँ से रुखसत हुए हैं तो तीनों ग्रुप आपस में इख्तराफ करने लगे इसने माल जमा किया था कहा कि असल हकदार इसके तो हम, हमने जमा किया है और जो पीछा कर रहा था कहा कि इसमें हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए क्यों इसलिए कि हम भी तो तुम्हारे साथ है दुश्मनों का पीछा कर रहे थे अगर दुश्मन का पीछा ना किया होता हमला कर दे तो बार मारे ऊपर और तीसरे ग्रुप ने कहा कि हम तुमसे कम हकदार नहीं इसलिए कि हम अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे थे वो भी तो एक काम था कि नहीं काम था साथियों अल्लाह तबारक तआला ने इस पर आयत अभी मकामी सफरा में पहुंचे हुए थे कि अल्लाह ताला ने आयत ना फरमाई फरमायी यस अलू निल अनफाल अनफाल रसूल आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या किया जाए आप कहिए कि माल गनीमत असल में अल्लाह और उसके रसूल का है यानी क्या मतलब जो फैसला अल्लाह और उसके रसूल फरमाएंगे वही फैसला सबको तो मानना होगा तुम लोग अल्लाह से डरो और आपस में इख्तलाफ ना करो आपस में फूट ना डालो तुम्हें जो काम करना चाहिए वो दूसरा काम है ये तुम्हारा काम नहीं कि मालिक नीमत कैसे तस्सीम किया जाएगा है कि नहीं ये अल्लाह तला फैसला फरमाएगा उसके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया जैसा कि इसी सूरत में दसवां पारा जहां से शुरू होता है अल्लाह ने फरमाया कि उसमें से पांच 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 पांचवा हिस्सा तक इसको निकाल दिया जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद मुसलमानों में बराबर उसको तकसीम कर दिया जाएगा जो पीछा कर रहा था उसको भी मिलेगा जो जमा कर रहा था उसको भी मिलेगा जो अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहा था उसको भी मिलेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर सराबर तकसीम कर दिया सिर्फ उन लोगों में जो गदोए में शरीक थे अलबत्ता नौ सहाबी और थे जिनको जो गदोए में शरीक नहीं थे अल्लाह के रसूल उनको दिया है उसमें से क्यों इसलिए कि वो शरीक होना चाहते थे अल्लाह कृष्ण उन्हें मना कर दिया था और क्या किया था आपने उनके जिम्मे कोई दूसरा काम लगा दिया था जैसे अबू लोबाबा रेज दिया कि जाओ मदीना मनोवरा का अमीर कियादत तुम बन करके रहोरी है ना जरूरी है अल्लाह के तो बाहर निकले कोई हमला करता मदीना पर हमला कर सकता है ना चारों तरफ से खतरा ही था कहा नहीं अब जाओ वहाँ पर तुम अमीर बन करके रहो और दूसरे उस्मान रज़ी अल्लाह तुं हैं जिन्हें आपने अपनी बेटी जो बीमार थी उनकी बीवी उसकी तीमारदारी के लिए ऐसे ही नौ सहाबी थे जिनमें अल्लाह के रसूल सलास उसमें से हिस्सा दिया है तो आप सल्ला वसलम जब वहाँ से मदीना मनोवर के लिए रुखसत हुए तो रास्ते में मालिक गनीमत तकसीम किया और वहीं पर आप सल्ला जब मकामी सफरा पर पहुँचे तो दो मुजरिम थे दो मुजरिम थे बहुत बड़े मुजरिम मक्का के मुशरकिन में से थे कुरेश से थे आपने उनकी गर्दन मारने का हुक्म दे दिया एक तो नदर इब्न हारिस था यह वो बदबخت था जो महले मक्का की जो फौज थी उसका आलम बरदार था वो झंडा लेकर के आगे चलता था लेकिन कत्ल नहीं हुआ गिरफ्तार हुआ था और ये वो बदबकत है कि कुरान का मुकाबला करने के लिए शख्स सफर किया है इसने शाम का और वहां से इस फंदर वगैरह के किस्से लेकर के आया है और अजीबोगरीब गरीब कहानियां सुनाया करता था और कहता था कि कुरान से यह बेहतर चीज है जो कुरान सुनने लगते थे उनके ऊपर क्या है किसी लौंडी को मुदैन करता वो गाया करती थी और यह किस्से सुनाया करती थी और एक बार एक शख्स शक, ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हरम के पास नमाज पढ़ रहे थे आपकी गर्दन में चादर को डाल करके करीब था कि आपका गला घोट देता तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने इसके गर्दन मारने की हुक्म दे। गर्दन मारने का आपने हुक्म दे दिया और दूसरा उकबा इब्ने अभी था जरा आगे बढ़े थे कि आप ने इसकी भी गर्दन मारने का हुक्म दिया इसने बड़ी आजजी की कि मेरे छोटे बच्चे हैं मुझे छोड़ दीजिए मेरे बच्चों का क्या होगा आप निशाना फरमाया कि तेरे बच्चे चूल्हे भाड़ में जाएं, मैं तुझे कत्ल करूंगा कहा क्यों कहा इसलिए कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दी है साथ ही इसका जुर्म तो बहुत ज्यादा था लेकिन एक जो नाकाबिले माफी जुर्म था वो ये था कि आप वसल्लम के चेहरे पर इसने एक बार थूक दिया था अभी आपने उस वक्त चेहरे से आपने अपने चेहरे से थूक को साफ किया और कहा था अरे उकबा अगर मक्का की गलियों से बाहर तुझे मैं पाया तुझे मैं कतल कर दूंगा इसीलिए वो गद्वे बद्र में आने के लिए तैयार नहीं था गद्वे बद्र में आने के लिए तैयार नहीं था तो आप वसल्लम ने इन दोनों मुजरिमों को क्या किया था कत्ल कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम मदीना मुनवरा फातिहा ना मनूर पर दाखिल हुए और दसियों किलोमीटर दूर मुसलमान आगे बढ़ के हथियार लेकर के आपके इस्तबाल में आए मदीना मुनवरा पहुँचते हैं तो साथियों सबसे अहम मसला जो था वो क्या था कैदियों का कैदियों को क्या किया जाए कितने कैदी थे जी सत्तर थे कितने क़ैदी थे इनको क्या किया जाए आप अलैहि वसल्लम ने इसके बारे मुसलमानों से मशवरा किया हज़रत ओबकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए क्यों ये आपके ख़ानदान वाले हैं आपके रिश्तेदार हैं लम्बा एक, एक मौजू है मैं उसे नहीं छेड़ना चाहता इशारा करते चलता हूँ आपके ख़ानदान वाले हैं इनसे कुछ ले दे लीजिए उससे हम फायदा हासिल करेंगे और हो सकता है कि ये बाद में मुसलमान हो जाएं अल्लाह तारा हिदायत दे दो किसी को लेकिन हरित उमर ने कहा कि नहीं मेरी राय यह है कि इनमें से किसी को ना छोड़ा जाए हर एक की गर्दन मार दिया जाए जंगी मुजरिम है ये ये पहला मौका हुआ है ऐसा किया गया तो काफिरों की और कुफर और शिरक की कमर टूट जाएगी दोबारा हमारे सामने तलवार लेने के लायक नहीं रहेंगे और उसमें भी मेरा जो रिश्तेदार है मुझे दीजिए हथियार मैं उसको मारता हूं और फला का जो रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार को कत्ल करे हजरत अली से कहिए कि अकील जो उनका भाई उसकी गर्दन को मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को और लोगों ने मशवरा दिया किसी ने हजरत उमर की तइद की किसी ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तलामां की तइद की लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बात मानी किसकी राय कबूल की हजरत बड़ सिद्दीक़ कर दिया जबकि अल्लाह तबारक वाली ने मजीद में कहा कि नहीं आपको उमर की राय कबूल करना चाहिए था नहीं इसलिए कि एक बार मामला ठंडा कर दिया जाए कि दोबारा आंख उठाने के लायक ये ना रहे नतीजा क्या निकला साथियों साल भर के बाद फिर चढ़ दौड़े मुसलमानों के ऊपर ये है कि नहीं और वही लोग तकरीबन जो है छोड़ दिया गया था फीतिया लेकर के वो साल भर के बाद फिर गदवे गद के अंदर आए और सत्तर मुसलमान शहीद हुए जैसा कि आगे आएगा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर की राय को कबूल कर लिया इधर क़ैदियों का मसला हल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिर बात साथियों बड़े नर्म दिल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह नरमी से काम लेना बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक चाह कि अगर एक आदमी आज जिंदा होता और सिफारिश करता तो मैं इन कैदियों को तमाम के तमाम को छोड़ दिया होता मैं तमाम कैदियों को मैं मैं छोड़ देता वो कौन है जैसे बुखारी शरीफ में है हदीस में है लोकाना मुतमन आदि हैयन, अगर ने अदी जिंदा होते तो मैं और इन नालायकों इन गंदों के बारे में सिफारिश करते तो मैं उनकी सिफारिश को कबूल कर लेता और सारों को सारों में आज़ाद कर देता लेकिन ऐसा क्यों क्यों ऐसा करते आप ने आदि की बात को आप क्यों कबूल कर रहे थे उनकी सिफारिश को आप किसी को मालूम है जी? हां? हाँ आप सर जब गजबे वहाँ ताइफ के सफर से वापस हो रहे थे तो मुतमिन आदि ही ने आपको पनाह दिया था कि आइए आप अमन और इतमिन से रहिए ये एहसान आप सरम उनका उनका भूले नहीं है बल्कि कहा कि अगर आज जिंदा होते और उनकी सिफारिश करते तो मैं उनको छोड़ देता लेकिन वालत कुहर में उनका इंतकाल हो गया था साथियों तो आप सर वसलम ने फैसला फरमाया कि क़ैदियों से क्या लिया जाए फिदिया लिया जाए और आम साथियों चार हजार दिरहम रखा गया है कितना चार हजार दिरहम लेकिन जिससे जो कुछ हो सकता था जिससे जो कुछ हो सकता था आपने कबूल भी कर लिया है बल्कि कुछ लोगों को आपने बगैर फिदिये के छोड़ दिया है उसमें आपके दामाद थे आप वसल्लम के दामाद थे आपने उन्हें बगैर फिदीए के छोड़ दिया और भी सहाबी थे आपने उन्हें बगैर फिदिये के छोड़ दिया हद और बाद सहाबा से आपने सिर्फ सौ उकिया लिया है यानी चार हजार के बजाय एक हजार बीस द्रहमी कबूल किया आपने उनसे किसी से सिर्फ आपने अस्सी दिरहम कबूल कर लिया किसी से अस्सी उकिया कबूल किया आपने यानी जिससे जो कुछ हो सकता था साथियों इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया की तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला कैदियों के साथ रहा है दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती आज चाहे जितने हकूक इंसानियत का 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 नारा बुलंद करें लोग लेकिन सारे के सारे झूठे और मक्कार हैं इंसानी हकूक की जिस कदर पामाली आज कैदियों के साथ होती है और उन मुल्कों में जो दुनिया का गुंडा बने हुए हैं आज, और जबकि लोगों के साथ एहसान के दावेदार बनते हैं वो लोग कैदियों के साथ जो जो उनके हकूक मुतन हैं उन हकूक की पामाली जिस कदर करते हैं दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती लेकिन हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने कैदियों के जो हकूक अदा किए हैं और जो हकूक दिए हैं वो दुनिया में आपको उसकी मिसाल जरा देखिए चार हजार लेकिन अगर किसी के पास हजार दिरहम उसे भी कबूल कर लिया आपने किसी के पास नौ सौ उसे भी कबूल कर लिया आपने हत्ता की कुछ को बगैर कुछ लिए आपने छोड़ दिया और जिससे कुछ नहीं हो सकता था और वो लिखना पढ़ना जानता था वो लिखना पढ़ना जानता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम मुसलमानों के दस बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तुम्हें माफ कर देते दे। मुसलमानों के दस बच्चों को बस तुम लिखना पढ़ना सिखा तुम्हें छोड़ दिया जाता है तुमसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल मिल सकती है साथियों मुसन अहमद के अंदर है अब्दुल्लाबन अब्बास की रवायत है कि एक अंसारी बच्चा रोता हुआ अपने अबू के पास पहुंचा रोता हुआ अपने अबू के पास पहुंचा अबू ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो कहता है मुझे मेरे उस्ताद ने मारा है मुझे मेरे उस्ताद ने मारा है कहा कि वो ख़बीस बद्र का बदला ले रहा है ना बद्र में चूंकि उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके साथी मारे गए हैं तो वो मासूम बच्चे की ठुकाई करके वो बदला ले रहा है आज से उसके पास पढ़ने तुम ना जाना तो कहने का मतलब कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने उन कह दियो कि क्या लगाया कि उन्हें बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें और साथियों सबसे बड़े दुनिया के लिहाज से जो तजुब की बात है इस्लाम के लिहाज से नहीं इस्लाम के लिहाज लिया कि इस्लाम दीने रहमत है और नबी करीम सबीर रहमा है दुनिया के लिहाज सबसे तुब की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन कैदियों को लहर बात वहां कोई जेल नहीं थी मदीना मनोवर में कोई जेल खाना नहीं था आप सल वसलम ने क्या किया कि कैदियों को मुसलमानों में बांट दिया था कि यह तुम्हारे पास रहेगा यह तुम्हारे पास है तुम्हारे पास रहेगा और उन्हें वसीयत की थी कि ऐसा करना कि कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना क्या वसीयत की थी कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना साथियों जिसका नतीजा यह है हजरत मुसाबन उमेर के भाई अबू अजीज बयान करते हैं मुसनदा अहमद तबरानी सगीर और तबरानी कबीर मेरा वायद है वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सलोसलम की वसीयत का यह असर था कि लोग हमें रोटी वगैरह खाने को दिया करते थे और अपने सिर्फ खजूर पर गुजारा कर लिया अपने सिर्फ खजूर खा करके गुजारा कर लेते थे लेकिन हमें खाने के लिए कहा कि बसा औकात यह सूरत हाल पेश आई कि मेरे पास अगर गोश्त भेजा उन्होंने और मैं देखा कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है मैं शर्मा करके जब वापस कर देता था तो वो लोग बगैर खाए हुए दोस्त गोश्त द्वारा मेरे पास वापस कर दिया तो मैं कहता हूं दुनिया की तारीख में कैदियों के साथ ये जो अल्लाह के रसूल नमूना पेश किया है मिलने वाली यह चीज कहीं आपको नहीं मिल सकती है तो इस तरीके से कैदियों का मसलरा हो लेकिन एक चीज और रह जाती है कि यह तो मदीना मनोरा का हाल है ना गजबे बदर का हाल मक्का मुकर्रमा में क्या रहा है? मक्का मुकर्रमा में उसका क्या असर रहा है मक्का मुकर्रमा साथियों मक्का के लोग बड़े खुश थे उन्हें अपने घर में बैठे चाय नहीं आता था निकल करके कभी दूर तक मक्के से बाहर आए और देखें कि कोई खुशखबरी लेने वाला आया ही नहीं इसलिए कि मालूम हो गया था हमारी फौज हजार है नौ सौ है और उनकी फौज कितनी है तीन सौ सत्रह है, है ना हमारे पास हर किस्म के हथियार हैं खाने का सामान है सामान रसद काफी काफी मौजूद है इसलिए हम तो लड़ाई के लिए निकले थे ना और वो तो सिर्फ काफ़िला को लूटने के लिए उनके पास तो हथियार भी नहीं है इसलिए इंतज़ार करते थे कि अब खबर आए अब खबर आए अब खबर आए लेकिन कोई खबर नहीं अचानक एक दिन देखते हैं कि एक खुजाई नामी हैसमान बिन अब्दुल्ला खुजाई नामी शख्स है भागा हुआ आता है उसे न आगे की परवाह है ना पीछे की परवाह है भागा हुआ आता है उसकी दुबान पर हरे मारे गए मारे गए मारे गए, गए। भाई क्या हुआ क्या मारे गए क्य बिल्कुल मस्जिद हराम के पास आता है और कहता है कि अरे उथबा इब्ने शैबा कातर कर दिया गया अरे उथबा इब्ने रबिया कातर कर दिया गया अरे शैबा वलीद अबुल हकम मार डाले गए अरे क्या कह रहा है तू अरे फला और फला को कतल कर दिया गया अरे तमाम मक्का के सरदारों का नाम लेता है लोगों ने समझा कि ये पागल हो गया है ये डर से भाग खड़ा हुआ है इसे अपने आगे पीछे के होश नहीं है इतने में सफवान इब्ने उमैया जिसका बाप उमैया कतल हुआ था वो हतीम में बैठा हुआ था निकल कर रहता था इससे पूछ मेरे बारे में तो पूछो कि मुझे किस हाल में पाया है वहां पर इसे पूछो तो मेरे बारे में ताकि पता चले कि ये होश में है कि बेहोश है तो लोगों ने कहा कि अरे सफवान को किस हाल में देखा कहता है कि गया तो मुझे पागल समझते हो ये देखो क्या बैठा है और इसके बाप और भाई को हमने कतल होते देखा है इसके बाप और भाई को हमने कत्ल होते देखा है साथियों मैं तूल देने के लिए नहीं सुना चाहता था लेकिन सिर्फ शाहनवा इस्लाम का इस सिलसिले में एक मकता आप लोगों को मैं सुनाता हूं कि कैसी खबर पहुंची थी यहां का हाल देखा यानी मक्का मक मदीना मनोवरा का यहां का हाल देखा अब वहां का रंग भी देखें जरा चलकर शिकस्ते बानियाने जंग भी देखें नथा बातिल को दिल नथा बातिल के दिल में वह में तक अपनी खराबी का हमातान शहर मक्का मुंतजर था फतहियाबी का बहुत गुर्रत साजे जंग पर जंगी लियाक़त पर यकीन रखते थे अपनी फ़ौज की तादाद व ताकत पर बहुत आज़िज समझते थे मोहम्मद के गुलामों को वतन से कर चुके थे बेवतन आली मकामों को उन्हें पूरा यकीन था फ़ौज फातह बन के आएगी मुसलमानों का सर माले गनीमत लेके आए साथ लाएगी नवेद फतहमंदी का था ऐसा एतबार उनको कि घर में बैठे रहने पर ना आता था करार उनको जमा कर खून के मंजर ख्यालों और निगाहों में निकल कर बैठ जाते थे बसा औकात राहों में हजर में एक दिन सफवान वहले भी अक्सर इसी उम्मीद में बैठे हुए थे शहर से बाहर नजर आया कि भागम भाग एक इंसान आता है सरासीमा हरासा ओ बे, सरासीमा हरासा बेसरो सामान आता है नहीं थी सत्र की सुदबुद न पीछा था न आगा था मुसलमानों से लड़कर बद्र के मैदान से भागा था समाता था न उसके पेट में दमहोल के मारे जुबा पर उसके था मारे गए मारे गए सारे ये एक मर्द खुजाई था उसे लोगों ने पहचाना किसी ने रास्ते में उसको लूटा है ये गर्दाना। कहा कहा मर्द सौदाई ये कैसी धुन समाई है कि यूँ मारे गए मारे गए कि रत, लगा, रत लगाई है वो बोला वा मा, वाह मारे गए मारे गए सारे ये बोले कौन वो बोला वो बोला सभी सरदार बेचारे ये अब भी कुछ न समझे और पूछा तू ने क्या देखा वो बोला कुछ नहीं बस भाग आने में मज़ा देखा ये समझे फत हो जाने से पहले भाग आया है बड़ा बुजदिल बत, बड़ा बुजदिल है दिल में मौत का ख़तरा समाया है कहाँ मारे गए जो लोग उनका नाम तो लेना वो बोला मैं बताता हूँ मुझे पानी धरा देना मिला पानी तो इस भागे हुए भागे हुए के दम में दम आया तो वानाई जो पानी तो वा, तो नाई जो पानी फिर तो नाई जो पाई फिर उसी सूरत से चिल्लाया अभी अजीब कुश्तों के पुशते लग गए एक आन के अंदर बड़े सरदार सब मारे गए मैदान के अंदर ये समझे जिक्र करता है मुसलमानों के लश्कर का सफाया हो गया उस कौम के हर एक अफसर का कहा अच्छा हुआ मारे गए तुम होश में आओ जो मारे जा चुके हैं हमको सबके नाम बतलाओ वो बोला क्या कहा अच्छा हुआ मरना बुजुर्गों का तुम्हें तो आज मातम चाहिए करना बुज़ुर्गों का बहुत रोएगी कुर्सी कौम उन आली नजादों पर जो ले जाते थे मैदा में सवारों को पयादों को सिपा उतबा बुल हकम बुक्रश और शेबा वलीद आस उमैया बिन खलबू बख्तरी जमा सभी मारे गए असवत के और हजाज के बेटे होबल के नाम पर कुर्बान हुए तकदीर के हेटे हंसा ये सुन के सफ़वा और बोला तुरफ मजमू है ये अपने होश में हरगिद नहीं पागल है मजनू है लिया है नाम इस कम्बक ने उन पुख्तकारों का जो जो तनहा जंग में मुंह मोड़ फेर देते थे हजारों का भला इससे मेरी नस्बत तो पूछो क्या बताता है मुझे पहचानता है या सुनाई ही सुनाता है कहा अच्छा बता सफवान को किस हाल में देखा वो भाग आया कि उसको मौत ही के जाल में देखा वो बोला खूब गोया तुम मुझे मजनू समझते हो मेरे सच्चे बयानों को मेरे सच्चे बयान को और ही मजमू समझते हो ये क्या बैठा हुआ है सामने सफवान बेचारा मुसलमानों ने जिसके भाई को और बाप को मारा यह सुनकर हक्के बक्के रह गए शैतान के बंदे हजीमत पर यकीलाती न थे सामान के बंदे तो अर्ज करने का मकसद है कि मक्के में यह खबर जब पहुंचती थी पूरे मक्के के अंदर कोहरान कोहराम मच गया अहले मक्का के अंदर कोई घर ऐसा नहीं था साथियों पूरे मक्का में जहां से रोने की आवाज ना आ रही हो इसलिए कि शायद ही कोई घर हो जिसके अंदर का उसका बाप उसका भाई उसका बेटा या उसका रिश्तेदार ना मारा गया हो या तो मारा गया था या तो फिर जेल में कैद में था लेकिन काफिरों ने सोचा कि अगर इसी तरीके से रोते रहे तो मुसलमानों को हंसने का मौका मिल जाएगा लिहाजा क्या काम किया कि बिल्कुल मक्के में ये फैसला हो गया कि आज के बाद से कोई बद्र के मैदान में जो लोग मारे गए उन पर रोएगा नहीं कोई नहीं रोएगा उस जमाने में एक किस्सा जीव किस्सा पेश आया अशद इब्ने मुत्तलिब असवद इब्ने मुत्तलिब नामी एक शख्स था जिसके तीन बेटे रदवे बद्र में मारे गए थे एक दिन रात के आखिरी हिस्से में बड़ा गमगीन बैठा था और रोना नहीं चाहता था क्यों रोना चाहता लेकिन रो नहीं सकता था क्यों इसलिए कि लोगों ने मना कर दिया कोई मक्के में मातम ना करे अचानक देखता है कि एक घर से रोने की आवाज आ रही है एक घर से एक औरत रो रही है अपने खादिम से कहता है कि जाकर के देखो आखिर क्या है क्या मक्का के लोगों ने अपने मुर्दों पर अपने मकतूलिन पर मातम करने की इजाजत दे दी है या क्या मामला है जब जा करके देखता है तो पता चलता है इस बेचारी औरत का ऊंट गायब हो गया जिसके ऊपर रोती है इसका ऊंट गायब है है जिसके ऊपर ये रो रही है। तो उस पर उसने एक लंबा सा कसीदा कहा बड़ा दर्दनाक कि वो अपने ऊंट के ऊपर रो रही है और यहां कत्ल मैदान बदन में जो कत्ल हुए हैं मेरा बेटा फला और फला फला जिसके ऊपर रोना चाहिए रोने की मानियत कर दी गई है तो अर्ज करने का मकसद अहले मक्का पर यह खबर जो है बड़ी ही सख्त थी लिहाजा पहला तो कदम मक्का में यह उठाया लोगों ने कि रोना बंद कर दिया जाए दूसरा कदम यह उठाया कि जो काफिला बच करके निकला था उस काफिले का जितना माल है इब्ने साद ने नकल किया है जितना माल है या वाकदी का कहना है कि उसका फायदा जितना माल है सारा का सारा माल आइंदा साल कत्ल के लिए वक्फ कर दिया जाए यानी अपना बदला जरूर लेना है यहां समझेंगे उमर का फैसला क्या था अच्छा था। अपना बदला क्या है जरूर लेना है और तीसरा यह कि अबू सुफियान अब मक्के का सरदार रह गया था इसलिए जितने सरदार थे सारे के सारे ढेर हो गए थे अब सबसे बड़ा जो जिसकी तरफ लोगों की नज़र उठती थी किसके ऊपर थी अबू सुफियान के ऊपर हालांकि रवायात के मुताबिक अबू सुफियान भी उस अपने काफिले को जब देखा कि मक्का के करीब पहुंच रहा है तो वो भी गजबे बदर में आ गया था मुझे इस रवायत की सेहत नहीं मालूम हुई लेकिन बाद रवायत पता चलता है कि आ गया था और वो भाग करके गया जो लोग बचे थे उनमें भाग करके गया था लिहाजा वो मक्के की क्यादत उसने संभाली और कसम खा ली कि जब तक बदर के मकतूलिन का बदला नहीं ले लेंगे उस वक्त तक मैं जनाबत से गसल नहीं करूंगा जनाबत से गुसले इसका मतलब अहले मक्का भी जनाबत और उससे तहारत को जानते और पहचानते थे आज के नाम नेहाज मुसलमानों के तरीके से नहीं है कि उनके लिए जना उन्हें जनाबत के गुस्ल की कोई ही नहीं रहा करती भाई क्यों नमाज क्यों नहीं पढ़े अरे नापाक था मैं है कि नहीं होता है ना नमाज क्यों नहीं पढ़ा अरे भाई क्या करें सो रहा था नापाक हो गया मैं लिहाजा अब जो है नमाज ही को छोड़ दिया है कि नहीं हालांकि नमाज छोड़ना क्या है भाई वजू करो नहाओ नहीं नहा सकते तयमुम करो अल्लाह ताला नमाज की फुर्सत नहीं दी है तो के अल्लाह ने जरिया बताया तुम नहा नहीं सकते हो तयमूम करके पढ़ो लेकिन नमाज को नहीं छोड़ना तो अर्ज करने का मकसद ये उसने कसम खाई कि जब तक मकतूलिन का बदला नहीं ले लूंगा उस वक्त तक मैं चैन से और अमन से नहीं रहूंगा हुआ साथियों कि जाहिर बात है एक दिन नहीं नहाएगा दो दिन एक महीना कितने दिन नहीं नहाएगा लिहाजा अपनी कसम को पूरी करने के लिए अपनी कसम को पूरी करने के लिए जैसा कि सीरत इबन हशाम के अंदर है कि वो दिलहिजा दो हिजरी को दिलहिजा दो हिजरी को दो सौ सवारों को ले करके मदीना मनोरा की तरफ चला है कौन अबू सुफियान दो सौ और अपनी फ़ौज को मदीना मनोरा से दूर रोक करके छुप करके आया है बनु नज़ीर में पहले सल्लाम ने होकैक के पास आया उसने इनकार कर दिया फिर उसके बाद आता है बनू नज़ीर के हाथ, तो उन लोगों ने उसे पनाह दे दी उसे बैठाया शराब पिलाया खिलाया और उसे मदीना मनोवरा के वो रात बता दी के हाँ इनके जानवर कहाँ चरते हैं और कहाँ तुम्हारे किस जगह तुम्हारे लिए हमला करना आसान होगा लिहाजा उसने कुबा के रास्ते में एक जगह पड़ती थी और आज वहाँ पर आबादी पहुँच चुकी है कहा कि यहां पर जानवर हैं और उनकी खजूर के दरख खजूर के का बाग है और हिफाजत के लिए जानवरों के सिर्फ दो या तीन आदमी हैं चुनानचे अचानक वहां से गया भागा अपने सवारों को लिया आ करके दोनों मुसलमानों को कत्ल कर देता है दोनों मुसलमानों को जो चरवाहे थे कत्ल किया और जानवरों को लिया और खजूर के अंदर आग लगा दी और ये करके भाग खड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पीछा किया कुछ दूर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे लेकिन जब आगे निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पीछा छोड़ दिया इसका नाम गदवे शवीक पड़ गया है सत्तू वाला गदवा क्यों इसलिए कि जब उन लोगों को ख़तरा हुआ कि मुसलमान उनका पीछा करेंगे तो उनके पास जो खाने का सामान था अपने ऊँटों पर लादे हुए थे और तेज चलने में दुश्वारी हो रही थी उसको वहीं पर छोड़ दिया और अपना भाग खड़े हुए ये काफिरों का रद्द अमल था उस दूसरी तरफ उन्होंने और एक काम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल ही का मंसूबा बना लिया चुनानचे मुसरद अहमद वगैरह में है कि एक दिन सफवान इब्ने उमय्या जिसका अभी जिक्र आया हुआ था आप लोगों के सामने जिसका भाई और बाप गजवे में मारा गया था ये और उमैर इब्ने वहब जमही जिसका बेटा वहब मुसलमानों के कैद में था ये दोनों हिजरे हतीम के अंदर बैठे हुए थे और अहले बद्र का जिक्र कर रहे थे और आपस में कह रहे थे कि अब दुनिया में जीने का कोई मज़ा नहीं है ज़ाहिर बात है जिसके बाप जिसका भाई जिसके बेटे मारे गए हैं दुनिया में जीने का कोई मज़ा नहीं है तो अमेर इन वह कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कर्ज़ ना होता मेरे ऊपर कर्ज़ ना होता और मेरे बच्चों का मामला ना होता तो मैं अपने बेटे का फिदिया अदा करने के बहाने जाता और मोहम्मद को कत्ल कर देता नो सफवान को यह सौदा बड़ा अच्छा लगा इसलिए कि अपने भाई और अपने चचा और अपने बाप का बदला लेना था उसने कहा यह बात है कहा हां कहा यह बात है तो तुम्हारा जितना कर्ज है उसे मैं देने के लिए तैयार अदा करने के लिए तैयार और तुम्हारे बच्चों को आज से मैं अपना बच्चा अपने बेटे समझूंगा जो मेरे बेटे खाएंगे उन्हें वो भी खिलाऊंगा और मक्का के मालदारों में था सफवान इब्ने उमय्या मक्का के मालदारों में था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खाल से सौ जरा या कितना उससे फतेह मक्का के मौके पर उधार ली थी तो मालदारों में था कहा कि तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों के साथ मिला लूंगा और जो मेरे बच्चे खाएंगे तुम्हारे बच्चे खाएंगे तो अपना काम करो का। अमेर इब्ने वह अबने कस्सा मुख्तर ये कि तलवार ली और तलवार की नोक में जहर पिलाया उसने अच्छी तरीके से पहले जहर ताकि अगर मामूली भी जख्म लगे फिर भी वो जख्म क्या है कातिल हो जाए और सवारी पर बैठा और मदीना मुनोवरा कर के लिए रवाना हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तो उन्होंने देखा कि एक सवार आ रहा है कुछ मशकूक है ये ये शक कुछ मशकूक है और जब करीब आया तो पहचान लिया कि तो अमेर इब्ने वह है जो मुसलमानों का पक्का दुश्मन है इसके हाथ में तलवार है इसका मतलब है किसी गलत नीयत से आया हुआ है लिहाजा आगे बढ़े और उसके इस पर हाथ मारा और कहा अल्लाह का दुश्मन उमेर तू कहां आया है कहा कि कुछ नहीं मैं अपने कैदी को छुड़ाने आया हूं कहा कि सच बता किस किसलिए आया है कहा कुछ नहीं कैदी को छुड़ाने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होना चाहता हूं हूँ उमर रजिया कि अच्छा हाँ इसे अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले चलो और दो चार मुसलमान कि बिल्कुल होशियार रहना इससे इसलिए कि इसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही है इसलिए कि आया कैदी छुड़ाने के लिए और हथियारों से लैस होकर के आया कोई बात हुई जो कैदी छुड़ाने के लिए आएगा उसकी कैफियत कुछ और होगी ये अपना हर तरह से हथियार लेकर के आया और कह कैदी छुड़ाने आए हैं कहा इससे होशियार रहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे तो उमर थे उसका गर्दन पकड़े हुए लेकर के गए आपने कहा कि उमर छोड़ दो इसको आपने फरमाया उमर छोड़ दो इसको ने छोड़ दिया कहा कि उमर आप ना किस लिए आए हो कहा अए अल्लाह के रसूल वसल्लम अपने कैदी बेटे को काफिदिया अदा करने के लिए आया हूं कहा कि नहीं सच बताओ किस लिए आए हो कहा इसी मकसद के लिए आया कहा मैं बताऊं तुम किस लिए आए हो किस लिए आए हो तो मुझे कत्ल करने के लिए आए कहा कि नहीं ये अल्लाह के रसूल मैं मेरा बेटा कैद का फिदिया अदा करने के लिए आया हूं कहा यह बताओ तुम और सफवान हतीम में बैठे बैठे ये ये बातें नहीं कर रहे थे तुमने कहा कि मुझे अगर अपने ऊपर कर्ज का खौफ ना होता मेरे बच्चों का मसला ना होता तो मैं जाकर के मोहम्मद को कत्ल कर देता वसल्लम ये बात सही है कि नहीं सही है कहा कि हाँ सही तो है ए अल्लाह के रसूल चलो वसलम आज मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं कि अल्लाह तारा ने आपको यह खबर दे दी है बतला दिया है वरना यह ऐसा राज था कि मेरे और सफवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता था यह ऐसा राज था कि मेरे और सफवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता था अब मुझे यकीन हो गया कि आपकी तरफ अल्लाह की साथियों यही देखें आज हमारे बहुत से मुसलमानों से ज्यादा अल्लाह के रसूल को काफिर समझा करते थे आज हमारे मुसलमान कहेंगे हाँ लाख सुलम तो गैब थे आप जान गए यही तो कहेंगे ना लेकिन वो कुफर पर होने के बावजूद समझता था कि अल्लाह ने आपको बतलाया है देखिए साथियों फर्क समझे आप लोग कुफर पर होने के बावजूद वो क्या समझता था कि अल्लाह तला ने आपको बतलाया है आपने नहीं कहा कि अल्लाह ने आलम मुझे मालूम हो गया नहीं इसलिए कि अल्लाह ने आपको बताया खबर दी तो गैब की जिन बातों की खबर अल्लाह अल्लाह के रसूल को देता था उसकी खबर आपको हो जाती थी और जिसकी खबर नहीं देता था उसकी खबर आपको नहीं होती थी वरना जरा सोचिए कि अब वो सुफियान वहीं से गुजर रहा है और लेड़ियाँ लेकर के मसल रहा है और काफिला लेकर भाग जा रहा है और आपको खबर नहीं तब तक किलोमीटर का फासला भी नहीं साथियों तद किलोमीटर का फासला रहा होगा है कि नहीं और लेकिन आप सरथम मदीना मोला बैठे मस्जिद नबी के अंदर और साढ़े चार सौ किलोमीटर खबर आपको अल्लाह हो जा रही क्यों अल्लाह तला दे रहा है है ना तो उसने कहा आपने फरमाया कि उसने कहा कि अल्लाह के रसूल आज मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल वहीं मुसलमान हो गए और कहा लेकिन मुझे आप मक्का जाने दें मुझे आप मक्का जाने दें इसलिए कि मुझे और भी काम करना है आपने उनके कैदी को भी छोड़ दिया उसे भी छोड़ दिया वो मक्के में गए और मक्के में छुप छुप करके दावत का काम करते रहे उनकी दावत से बहुत से लोग मुसलमान हो गए बहुत से लोग वह भी की दावत से बहुत से लोग मुसलमान हो गए ये तो अहले मक्का का रद्द अमल था एक चीज और कह के अपनी बात बंद करता हूं दूसरे यहूद का रद्द अमल क्या रहा आप मदीना मनोरा आए हैं तो यहूद का रद्द देखिए इसलिए कि उस वक्त आप सरम के अलावा जो कौमें थी मुसलमानों के अलावा एक तो कुरैश थे जो सबसे बड़े दुश्मन थे दूसरे मदीना मनोरा में यहूदी थे तीसरे मदीना उनोरा के मुशरिकीन थे और चौथे पास पड़ोस के बदवी कबीले थे बदवी कबीले थे तो अहले मक्का का हाल तो आपने सुन लिया और जो मशरकिन थे अब उनमें बहुत से लोग तो मुसलमान हो गए और कुछ जो उनके सरदार रह गए थे वो बजाहिर मुसलमान हुए लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं हुए यहीं से साथियों निफाक की बुनियाद पड़ी है गदवे बद्र से पहले कोई मुनाफिक नहीं था गदवे बद्र के बाद निफाक की बुनियाद पड़ी है मुनाफिक पैदा हुए हैं जिनका सरदार कौन था अब्दुल्ला इबन उबई है कि नहीं वो मुसलमान बाहर हो गया लेकिन हकीकत में अपने दिल के अंदर क्या है इसलिए कि अब डर था कि हमारी सारी कौम जब मुसलमान हो जाए तो अकेले रहकर क्या करेंगे और तीसरी जो कौम थी यहूद थी ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी अपने दिल के अंदर लिए हुए थे आप सल्लाह ने इनके साथ आप कैसे निपटे हैं इनके साथ वक्त साथियों नहीं है सिर्फ इशारा करके चलता हूं आइंदा मजलिस में उसको मैं रखूंगा कैसे आपने निपटा है देखिए यहूद इनकी शरारत मजीद बढ़ गई अब हालांकि इन्हें अकल के नाखून लेना चाहिए था कि जब कुरैश नहीं इनका मुकाबला कर सके तो हम क्या कर सकते हैं और यहूदियों ने नेहद ले लिया था कि हाँ आपके साथ रह करके मदीना मत दिफा करेंगे लेकिन इन बदबकतों ने बदमाशी शुरू कर दी पहली बदमाशी तो यह की कि इनके सरदार में से बाद जैसे काबिबिन अशरफ है ये मक्का पहुंचते हैं और मक्का के लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उभारते हैं तो दूसरे जो यहां पर थे उन्होंने दो ऐसी हरकतें की हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हो गए हैं कि उन्हें मदीना मनोवर से बाहर करें सबसे ताकतवर कबीला वो बनी कैनों का था नोका का जो मदीना मनोर मजदिन नबी के करीब आबाद था बनु नजीर वगैरह जुनूब की तरफ दूर में दूर थे लेकिन यह करीब आबाद था बनु कैनो का और सात सौ तो इसमें क्या था फौजी थे बड़े हथियार चलाने वाले सात सौ मामूली नहीं थे सात सौ फौजी थे ये सोनार थे और लोहार थे बड़े पैसे वाले थे बड़े जंगजू कबीले माने जाया करते बाते थे इसीलिए बाद अहले इल्म का ख्याल है कि असल अरबी थे ये असल यहूदी नहीं थे ये अरबी कबीले थे तभी इनके अंदर इतनी बहादुरी पाई जाया करती थी इन्होंने क्या बदमाशी शुरू की अवला तो यह सोचा कि हाँ अब मुसलमानों को आपस में लड़ा देना चाहिए चुनानचे एक दिन मुसलमान आ का एक ग्रुप आपस में बैठा था और गजबे बद्र में जो कामयाबी हुई थी उसके ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे एक बूढ़ा यहूदी शाह सिबिन क़ैस वहां से गुजरता है तो उससे नहीं रह गया कि अरे ये आपस में इस तरीके से औस और खजरत के लोग ऐसे भाई भाई बन गए हैं जहां आपस में लड़ते थे ऐसे भाई बन गए लिहाजा उसने एक आदमी को तैयार किया और कहा जाओ जंगे बुआस जो औस खदरत में हुई थी उसके अशार पढ़ना शुरू कर दो और साथियों अभी तक शराब हराम नहीं हुई थी अभी तक मुसलमानों पर शराब हराम नहीं हुई थी लिहाजा मुसलमान शराब पीते थे तो अब चूंकि शराब भी पी रहे थे और एक यहूदी आ करके नौजवान गजवे बुआस में जो औस और खजना ने शेर कहे थे एक दूसरे के खिलाफ पढ़ना शुरू कर दिया नतीजा यह है कि औस का को जोश आ गया और खजरत को जोश आ गया और कहें कहते हैं आपस में आज भी वो मैदान गर्म किया जा सकता है अब करीब थक दोनों फरीक आपस में वो कहता वो ओस के लोगों खड़े हो जाओ वो कहता वो खजरत के लोगों खड़े हो जाओ हथियार लाओ हथियार लाओ यहां तक कि दोनों ओस और खजरत के जवान आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली है तो आप भागते हुए गए कहा कि अरे मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और जाहिलियत की पुकार पुकार रहे हो तुम लोग अल्लाह ने मेरे वजह से तुम्हें इकट्ठा किया तुम्हें जमा कर दिया तुम्हें भाई भाई बना दिया है और फिर लड़ना चाहते हो आपस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया और अलग हो गए अब उन्हें एहसास हुआ कि ये फितना किसने फैलाया है यहूदी ने दूसरी बदमाशी क्या की इसी पर बात ख़त्म करता हूँ फिर आइंदा मजलिस बनु कैनोका के पर हमले का जिक्र आएगा दूसरी बदमाशी क्या की दूसरी बदमाशी ये की जिसे बहुत से मर्रखजर र कबूल किया है वो ये कि अभी तक जानते हैं पर्दे का हुक्म नहीं नादिल हुआ था लेकिन बहुत सी मुसलमान फितरी तौर पर अपने चेहरे को छुपाया करती थी जैसे देखेंगे हमने बचपन में देखा हिंदू औरतें छुपाया करती थी चेहरे है कि नहीं देखे होंगे खासतौर पर जो नई दुल्हन हो तो अपने चेहरे को छुपा करके निकला करती थी ये फितरी चीज है औरत का पर्दा ये फितरत के खिलाफ नहीं है ये फितरी चीज है औरत का पर्दा तो एक औरत गई दूध बेचा उसने और एक सुनार की दुकान पर गई कुछ लेने के लिए तो कुछ यहूदी लौंडे बदमाश वहां पर खेल रहे थे उन्होंने जबरदस्ती उसका चेहरा खोलना चाहा, लेकिन उस औरत ने चेहरा खोलने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने क्या किया जानते हैं कि पहले औरतें आपने भी देखा होगा हमने भी देखा है कि औरतें चौड़ा लिबास पहना करती थी आज तरीके से चंग लिबास नहीं साथियों हमने ये देखा है कि पांच गद का सलवार पहनती थी औरतें हमने देखा अपनी आंखों से साथियों कितना पाँच गज का सलवार आज चार गज में सलवार और कमीज दोनों पहन बना लेती है बस है, है कि नहीं सही है यह मुसलमान औरतें जो सलवार कमीज पहनती है और जो साड़ी में रहती है अपना ब्लाउज या बिला लिहाज कपड़ा पहनती है उसका तो कोई एतबार ही नहीं है उसमें तो आधा जिसम उनका खुला ही रहता है है कि नहीं लेकिन हमने देखा वल्लाह पांच गज की सलवार औरतों को पहनते हुए मेरे बचपन में अभी भी है ना जी जी देखें चलता है तो कहने का मतलब कि औरतें क्या है को ढीला ढाला रहा करता था तो एक यहूदी बदमाश लड़के ने क्या काम किया कि वो सुनार से बातें कर रही है ये आता है पिछले से उस पीछे से उसका कपड़ा उठा करके यहां पर बांध देता है अब जब औरत खड़ी होती तो उसका कपड़ा उड़ गया और बेसतर हो गई उसने चीखा चिल्लाया तो एक मुसलमान नौजवान वहां पर मौजूद था वो उसे बचाने के लिए बढ़ा उससे दफा करने के लिए तो यहूदी उसके ऊपर बढ़े उसने एक यहूदी को कत्ल कर दिया उसका कत्ल करना था तो यहूदियों ने मिलकर के किसको कत्ल कर दिया उस जवान को कत्ल कर दिया अब यह दो बदमाशी यहूदियों ने की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि इसका मतलब यह है कि अब इन्हें मदीना मनोवरा में रहने का हक हासिल नहीं है इसलिए कि हमारी उनकी हुई आपस में एक उम्मत एक कौम बन करके रहेंगे एक जमात बन करके रहेंगे मदीना में तरफ दिफा करेंगे लेकिन उन्होंने क्या काम किया मदीना मनोवरा के अंदर खुद मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला कर लिया कि अब इनसे निपटना चाहिए चुनान के सुन अबू दाऊद की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज लेकर के गए और कहा कि अ यहूद की जमात समझ लो होश में आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम्हारा हश्र वही होने वाला है जो कुरैश का हश्र हुआ था तो बजाय इसके कि वो समझ की बात करें अल्लाह के रसूल को उल्टा पलटा जवाब देना शुरू किया वो मौजू इंशाल्लाह शाह अगले मजलिस में आएगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को सुनने उसको समझने आपसे महबत करने और आपकी सही सीरत और आपके सही उसवे पर अमल करने की तोफ़ी कदा फ़रमाए सुबह नकल्लाहमदिका अशद वन